यही इसी कटरा बाजार में मेंस की अनसॉल्ड मिलती है और प्रीलिम्स की सॉल्ड मिलती है और दोनों का क्वेश्चन उठा लो। और हम यूपी पीसीएस नहीं पढ़ाते और हम ही नहीं, तुम जितने आईएएस के टीचर हैं दिल्ली के, वो कोई विषय सामान्य जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है वो हम पढ़ा देंगे, आप विश्व इतिहास पढ़ा देंगे, लेकिन जो पढ़ाएंगे ना तो उसका तो मेन सा क्वेश्चन होगा। मैं भी सब पे चर्चा करूंगा, सारे सारे पहलू पे चर्चा करूंगा, दोनों में अंतर क्या है। जैसे एक तुम्हारे पास किताब है हिंदी मीडियम वालों के पास, वो इंग्लिश मीडियम अगर पढ़ ले तो उसके पढ़ने की तमन्ना खत्म हो जाए। कौन सी किताब? केसी श्रीवास्तव, है ना, इतिहास की प्राचीन भारत। कोई लड़का जो विंध्य पर्वत को उस पार रहता हो, विंध्य पर्वत मतलब तुम्हारा दक्कन और साउथ इंडिया, साउथ इंडिया वाले तो सुने ही नहीं होंगे, उसकी हर लाइन तथ्य है। तुम इंग्लिश मीडियम वालों से पूछो कि दहेज प्रथा किस काल में शुरू हुई, नहीं बता पाएगा, बता ही नहीं पाएगा कि दहेज प्रथा किस काल में शुरू हुई। केसी श्रीवास्तव वाला बता देगा तुम्हें। इसलिए बहुत सारे राज्यों को इलाहाबादियों को रोकने के लिए स्पेशल कानून बनाने पड़े, क्योंकि प्री इंटर रुकता ही नहीं, कहीं का दिला दो, मंगल का दिलवा दो, बृहस्पति का दिलवा दो, ये सब एमपी तुम्हारे हैं तो सीनियर उनसे पूछो, इलाहाबादी एमपी केस निकाल लेगा, उसको इंटरव्यू में कितने नंबर देंगे? एक नंबर, देखो सब इलाहाबादी भर देंगे। हमारे एक सीनियर है मार्कंडे शाही, अभी कलेक्टर है, प्रमोट हो गया, आईएएस हो गया, पीसीएस में उनकी थर्ड रैंक थी, देवरिया के मार्कंडे शाही, तो उनका पांचवी रैंक थी एमपी पीसीएस में, इंटरव्यू में चार नंबर दिए थे सर, चार। मतलब तुम सोचो मेंस में कितना नंबर उस आदमी ने खींचा होगा कि चार नंबर पाने के बाद पांचवी रैंक डिप्टी जेलर बने थे। हर सवाल का जवाब दिए जा रहे थे, ये भैया सरस्वती का गढ़ है। लेकिन आज दो तीन चीजों के अभाव ने इसको एकदम खत्म कर दिया। सब की बात करेंगे, अब चलो शुरुआत करते हैं 1, 2, 3 से, आईएएस का प्रीलिम्स और यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स। प्रीलिम्स हमेशा रिजेक्शन की परीक्षा है,